हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम टेबल के सेकंड पार्ट में देखेंगे कि लेआउट ऑप्शन का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेआउट ऑप्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और टेबल ऑप्शन के थ्रू सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बनाने के बाद ठीक है आपके सामने डिज़ाइन और लेआउट दो टैब एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों टैब उसी समय एक्टिव होते हैं जब आप टेबल के अंदर क्लिक करते हैं। यानी अगर आपने टेबल के बाहर क्लिक कर दिया है तो वो जो लेआउट टैब है और जो डिज़ाइन का टैब है वो रिमूव हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उनको फिर से लाने के लिए आप फिर से टेबल के अंदर क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, डिज़ाइन और लेआउट टैब फिर से आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इस बार हम लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। लेआउट टैब में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर आपको जो है फोर ऑप्शन मिलेंगे, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, रो एंड टेबल। अगर आप पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं सिलेक्ट सेल, तो इससे केवल एक सेल सिलेक्ट होती है, यानी केवल एक ब्लॉक सिलेक्ट होता है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप सिलेक्ट कॉलम ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप रो को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट रो, तो केवल एक रो सिलेक्ट होती है। ठीक है, और अगर आप सिलेक्ट टेबल ऑप्शन यूज़ करेंगे तो पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब अगला जो ऑप्शन है लेआउट के अंदर वो है व्यू ग्रिड लाइन। ठीक है, ये व्यू ग्रिड लाइन क्या होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, जब हम डिज़ाइन टैब में जाते हैं और कोई भी हम डिज़ाइन चूज़ करते हैं तो आप देखेंगे अंदर आपको कुछ भी ग्रिड लाइन नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, टेबल के अंदर इसी ग्रिड लाइन को दिखाने के लिए लेआउट टैब के अंदर हम व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है टेबल के अंदर जो ग्रिड लाइन होती है हमें दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम फिर से हटाना चाहते हैं तो हम पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका आप लेआउट में जाकर भी कर सकते हैं और माउस से भी चाहें तो आप इन सभी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन वापस से आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, जिससे ग्रिड लाइन फिर से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो डिज़ाइन में जाके आप फिर से आप नॉर्मल टेबल पे क्लिक कर सकते हैं, टेबल स्टाइल में। ठीक है, हम फिर से लेआउट टैब में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी टैब से क्या होता है कि हम टेबल के एक तो अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, उनकी स्पेसिफाई हाइट और कॉलम की विड्थ सेट कर सकते हैं, जानते हैं किस तरह से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जब हमने टेबल पे क्लिक किया है प्रॉपर्टी पे, तो हमारे पास एक टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स की विंडो ओपन होती है। इसके अंदर सबसे पहले हमें दिख रहे हैं अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट जो होते हैं ये टेबल के अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे आप हमारी जो टेबल है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट पे फिट है, तो हमें इसका पता नहीं चल पाएगा कि मतलब इसका अलाइनमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पर जो हमें एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटो फिट, इसके अंदर हम ऑटो फिट टू कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारी एक छोटी सी टेबल हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से टेबल को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारी पूरी टेबल सेंटर में आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम राइट करेंगे तो हमारी टेबल कहाँ पर आ जाती है, राइट में आ जाती है। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ पर भी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में ये जो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, जो फर्स्ट ऑप्शन नन है और दूसरा है अराउंड, इसका ये मतलब होता है कि अगर आप अराउंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट आप इस टेबल के आसपास भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नन रहता है तो आप इसके आसपास टेक्स्ट को टाइप नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टैब है प्रॉपर्टी के अंदर वो है रो का। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफाई हाइट, इस चेकबॉक्स पर आप टिक लगाएंगे, उसके बाद आप चाहें तो इसकी हाइट रो की आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप ओके करेंगे तो आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेकंड जो टैब है हमारा कॉलम, उस पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, कॉलम की जो चौड़ाई होती है विड्थ, उसे भी आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से आप सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेल के भी आप क्या कर सकते हैं, विड्थ जो होती है उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये काम होता है प्रॉपर्टी का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डिलीट का। डिलीट ऑप्शन से क्या होता है कि हम सेल, कॉलम, रो और टेबल, हम जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ डिलीट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमने सेल पर क्लिक किया है
और हम डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो सेल होगी वो डिलीट हो जाएगी। हमें कौन सी सेल को डिलीट करना है ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो शिफ्ट सेल हम लेफ्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है लेफ्ट साइड से हमारी एक सेल डिलीट हो जाती है और इधर शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट साइड से। ठीक है, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं फिर से। उसके बाद डिलीट कॉलम, हम जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं सबसे पहले हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम डिलीट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे पहले नाम दे देते हैं कुछ कॉलम को, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमें डी कॉलम को डिलीट करना है तो हम डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा हमारा वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ नंबर भी दे रहे हैं, ठीक है, रो को। इसी तरह से आप डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रो है वो भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं डिलीट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो पूरी टेबल को भी डिलीट टेबल के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और हमें जितने कॉलम और रो की टेबल चाहिए हम उस पर फिर से क्लिक कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर फिर से कुछ नाम दे देते हैं कॉलम को अलग अलग और नंबर भी दे देते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट अबाव। इंसर्ट अबाव, इससे क्या होता है कि हमारी रो इंसर्ट होती है, अबाव मतलब ऊपर रो इंसर्ट होती है और इंसर्ट बिलो का मतलब होता है नीचे रो इंसर्ट होती है। तो जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने टू पर क्लिक कर रखा है रो पर, तो इंसर्ट अबाव पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगेन हमने टू पे क्लिक करा है और इंसर्ट बिलो ऑप्शन हम क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है एक रो नीचे इंसर्ट हो जाती है। इसी तरह से इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, इन दोनों ऑप्शन का जो यूज़ होता है वो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए होता है। जब हम इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें कॉलम जहाँ पर भी इंसर्ट करना है सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा लेफ्ट साइड में कॉलम हमारे पास एक इंसर्ट हो जाएगा। फिर से हमने बी पे क्लिक करा है और इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा राइट साइड में हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि हम रो और कॉलम से रिलेटेड ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे के और हम देखते हैं ऑप्शन का यूज़ किस तरह से किया जाता है। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास मर्ज सेल है। मर्ज सेल का मीनिंग होता है मिलान करना। इस ऑप्शन का यूज़ किस तरह से किया जाता है हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम कुछ जो डेटा हमने लिखा है वो डिलीट कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सभी अलग अलग सेल है, ठीक है, इनको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे तो पूरी रो को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे मर्ज सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इससे क्या हो जाती है सारी सेल मर्ज होकर एक हो जाती है। तो इस तरह से हम मर्ज सेल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम जितनी रो को सिलेक्ट करेंगे या जितने सेल को हम सिलेक्ट करेंगे हम उसे आसानी से मर्ज कर सकते हैं। इस तरह से हम आसानी से मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इसमें स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल से क्या होता है हम सेल को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कितने कॉलम में करना है वो हमारे ऊपर होता है। अगर हमें सिक्स कॉलम में डिवाइड करना है तो हम इसमें सिक्स कॉलम कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो कॉलम है वो डिवाइड हो चुके हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं स्प्लिट सेल। अगर हमें यहाँ पे जो है कॉलम ज़्यादा नहीं करना है पर हमें रो इसमें बढ़ाना है तो हम इसमें रो भी कर सकते हैं स्प्लिट। हमने यहाँ पे फोर रो को स्प्लिट कर रहे हैं और कॉलम यहाँ पर वन ही रख रहे हैं, ओके करते हैं। आप देखिए ये जो है रो भी स्प्लिट हो चुकी है। तो इस तरह से हम स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार फिर से करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्प्लिट टेबल। इस ऑप्शन से क्या होता है कि जो हमारी टेबल होती है वो स्प्लिट हो जाती है, यानी दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे हमारी टेबल स्प्लिट हो चुकी है। अगर आप फिर से इनको एक करना चाहते हैं तो बीच में जो स्पेस हुआ है आप क्या करेंगे कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे, इससे फिर से आपकी टेबल नॉर्मल हो जाएगी। और अगर आपको रियल में ही स्प्लिट करना है तो आप टेबल के लेआउट टैब में जाएंगे और स्प्लिट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम क्या है कि इस ये जो ऑप्शन है इनका यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, आज के पार्ट में इतना ही हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के ऑप्शन को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई हम एडवांस वीडियो या नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका इंटीमेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।